अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है हम एक फ्रॉक स्टिच करने लगे हैं। तो ये मेरे पास उसके लिए फैब्रिक है, मेरे पास तकरीबन जो है वो 2 मीटर फैब्रिक है। तो सबसे पहले हम जो है वो बॉडी की कटिंग करेंगे। उसके लिए जो है हमने कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया और इसका जो अर्ज है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो हमने जो है तकरीबन जो बॉडी की लेंथ लेनी है वो 15 इंच लेनी है, क्योंकि ये फ्रॉक जो है वो हमने 8 to 10 इयर्स के बच्चे के लिए बनानी है। तो उसके लिए हमने 15 इंच बॉडी ली है। ये हम बॉडी कट करेंगे, 15 इंच के ऊपर हमने निशान लगाना है। ये हम कट कर लेंगे, सबसे पहले बॉडी को कट कर लेंगे। और उसके बाद जितनी हमें इसकी चौड़ाई चाहिए होगी, चौड़ाई रख के और हम जो है वो सिलाई के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे दोनों सिलाई का मार्जिन रखते हुए। मैंने यहाँ पे तकरीबन जो है वो 16 इंच रखी थी चौड़ाई जो है। बाकी जो फैब्रिक था वो मैंने कट कर दिया था। उसके बाद जो है वो हम शोल्डर्स की और नेक की कटिंग करेंगे। शोल्डर जो है वो मैंने 5 इंच रखे थे और आर्म होल जो है वो 6.5 इंच रखा था। निशान लगा के फिर उनको आपस में ज्वाइन कर दिया। आर्म होल हम कटिंग कर रहे हैं और बाद में यहाँ से भी हम साइड से भी थोड़ी सी जो है वो कटिंग देंगे, ताकि हमारी जो फ्रॉक की फिनिशिंग है वो अच्छी तरीके से आए। ये हमने यहाँ से कटिंग कर ली है और यहाँ से जो एक्स्ट्रा धागे निकले हुए हैं उनको हमने कटिंग कर दिया है। अब हम इसका जो है फ्रंट पार्ट लेंगे बॉडी का और उसके ऊपर हम नेक की कटिंग करेंगे। नेक हमने तकरीबन जो है वो 3 इंच रखा है। राउंड नेक की कटिंग करेंगे हमने और जो नेक की गहराई है वो मैंने 2.5 इंच रखी है। आप अपने बच्चे के मुताबिक रख सकते हैं। मेरा नेक कट हो गया, अब हमें इसे स्टिच करेंगे। ये देखिए मैंने स्टिच कर लिया और इसे हैंड स्टिच किया है बैक करके। उसके बाद जो है हमने शलवार से की कटिंग से जो हमें फैब्रिक मिला था उसकी हेल्प से जो है हम डिज़ाइन जो है बॉडी का डिज़ाइन जो है वो बनाएंगे। जितनी हमें चाहिए होगी हम उतना फैब्रिक कट कर लेंगे। जैसे आप देख सकते हैं, वीडियो में देख सकते हैं, सबसे पहले हमने यहाँ से कटिंग कर लिया और बाकी हमने फिर फ्रंट पार्ट लिया। फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर रख के देखा कि हमें कितना फैब्रिक चाहिए, फिर उस हिसाब से हमने इसकी राउंड शेप में कटिंग कर ली। ये अब हम रख के देख लेंगे कि हमारी कटिंग जो है वो एक्यूरेट आई है कि नहीं, या हमें मज़ीद कटिंग करनी चाहिए। यहाँ पे हम इसको रख के देख लेंगे।
रख लिए। अब हम यहाँ पे जो है सबसे पहले जो है यहाँ पे धागे की मदद से जो है हम यहाँ पे लाइंस, स्ट्रेट लाइंस ड्रा करेंगे, और फिर जो हमारा फ्रंट का पार्ट है उसकी पाइपिंग बनाएंगे। पाइपिंग बना के हम इसकी यहाँ पे पाइपिंग लगाएंगे, ये देखें, मैंने इसको वो कर लिया, पाइपिंग भी लगा ली और जो है वो लाइंस भी ड्रा स्टिच कर ली। अब हमने इसे जो है पेटी के साथ स्टिच करना है। हम जो है कच्ची सिलाई लगाएंगे सुई की मदद से ताकि हमारा फैब्रिक इधर उधर ना हो और सिलाई में भी आसानी हो। इस तरह हम जो है वो टांके लगाते जाएंगे इस पे। अब हम इसे बैक रख के जो फैब्रिक, जो फालतू फैब्रिक है उसको हम कट कर देंगे। ये हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को जो है वो कट कर दिया। अब हम इसे बैग के साथ ज्वाइन करेंगे। बैग के साथ ज्वाइन करके हम बैक नेक की कटिंग करेंगे। आप तीरा जो है वो अपनी हिसाब से रख सकते हैं, आपने छोटा बड़ा रखना हो आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। ये देखें, ये मैंने तीरा कट कर लिया। अब जो हमने है घेरा जो है फ्रॉक का वो बनाना है, वो कट करना है। उसके लिए जो है मैंने 19 इंच जो है वो घेरे की कटिंग की है। 19 इंच जो है वो घेरा लिया और इस फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड कर लिया और डबल फोल्ड करके हमने इसको कट कर लिया, सेंटर में से कट कर लिया और ये हमारे पास फ्रंट का और बैक का घेरा आ गया। ये हम देख रहे हैं, अब हमने इसे जो, अब आपकी मर्ज़ी है कि आपने यहाँ पे चुनटें किस कौन सी वाली देनी है। आपने बॉक्स प्लेट के साथ भी डाल सकते हो या सिंपल प्लेट्स के साथ भी डाल सकते हो, लेकिन मैंने जो है वो धागे के साथ चुनटें लगाई हैं इसमें। और ये मेरे पास स्लीव्स हैं, स्लीव्स की मैंने कटिंग कर ली है और फ्रंट से जो है वो मैंने तंग रखी हैं और शोल्डर पे है ना ये स्लीव जो है वो खुली हैं और इनमें हम चुनटे लगाएंगे धागे की मदद से। ये हमारा फ्रॉक का फाइनल लुक है, ये आप देख सकते हैं। ये घेरा है इसका फ्रॉक का। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये फ्रॉक डिज़ाइन पसंद आया होगा, और अगर आपको ये फ्रॉक डिज़ाइन पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।